फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूँ यश। आज हम संत कबीर के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 1440 में वाराणसी या काशी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। मूलतः ये निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। समाज में व्याप्त धार्मिक कर्मकांड, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, मंदिर और मस्जिदों आदि का विरोध करते थे। मूर्ति पूजा का खासकर इन्होंने विरोध किया था। ये कहते थे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति ही काफी है। कबीर के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी है, सारे जगत में व्याप्त है, उनका कोई आकार नहीं है, निर्गुण है, निराकार है वो। इन्होंने अपने ईश्वर को राम कहा है और एकेश्वरवाद पर बल दिया है। ये कहते हैं कि जैसे आभूषणों का नाम, ज्वेलरीज का नाम अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन उसमें उपस्थित धातु तो सोना ही होती है ना, गोल्ड ही होता है, गोल्ड की बनी होती है सारी ज्वेलरीज। इसी प्रकार ईश्वर को नाम अलग अलग दे दिए गए हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। अब आगे ये समाज में व्याप्त आर्थिक सामाजिक जो विषमताएं हैं, जातिवाद, धार्मिक श्रेष्ठता आदि का विरोध करते हैं। समाज की धार्मिक रूढ़ियां, कुलीनता आदि का भी विरोध करते हैं। कबीर दास जी का कहना है कि प्रकृति ने ही मानव को एक समान बनाया है और मनुष्य का जन्म ही समान रूप से हुआ है, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने इन भेदभाव का मूल कारण धन को माना है, मनी को। धन एक ऐसा साधन है जो समाज को बांटता है। कबीर दास जी ने कहा कि अधिक धन का संचय करना, उसे धन को एकत्रित करना पाप होता है। उनके कुछ वर्ड्स भी हैं, जैसे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। फिर आगे वे श्रम को महत्व देते हैं। ये दान ग्रहण करना, दान लेकर जीवन जीने को उन्होंने सही नहीं बताया और कहा है कि श्रम के बल पर अपना कार्य करके अपनी आजीविका का उपार्जन करना चाहिए। फिर इन्होंने अपने उपदेश बीजक में संकलित किए हैं, जिसे उनके शिष्य धर्मदास ने संकलित किया। इसके अलावा इनकी रचनाएं हैं कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर और सखी ग्रंथ। अब कुछ अन्य बातें जाने इनके जीवन के बारे में। तो इनकी पत्नी का नाम था लोई, दो बच्चे थे इनके, कमाल और कमाली। फिर मगहर में 1575 में इनकी मृत्यु हुई थी। स्वामी रामानंद कबीर के दीक्षा गुरु रहे थे। इनके अन्य ग्रंथों में सखी, रमैनी और सबद महत्वपूर्ण है। अब कबीर जी ने निराकार ब्रह्म की बात की थी ना, तो निराकार की प्राप्ति के लिए ज्ञान को महत्वपूर्ण बताया इन्होंने। और ज्ञान किससे मिलेगा? गुरु के माध्यम से। इसके लिए व्यक्ति को मैं की भावना छोड़नी पड़ेगी, अहंकार छोड़ना पड़ेगा और एक सहज मार्ग का प्रयोग करके भगवान को पाया जा सकता है। सहज मतलब आसान तरीकों से, भक्ति के माध्यम से, ना कि कोई कर्म कांड करके। अब सहज भाव की जो अवस्था है ना, उसमें वासना, सांसारिक मोह माया, अहंकार आदि सब समाप्त हो जाते हैं और भक्त का भगवान से एकाकार होता है। कबीर की भक्ति में ज्ञान, योग, प्रेम आदि का अद्भुत समायोजन देखने मिलता है। ये ईश्वर की प्राप्ति में ना माया को छोड़ने को कह रहे हैं। माया मतलब अविद्या या अज्ञान। ये कहते हैं ये जो इस संसार की चीजों को देखकर या पाकर हम खुश होते हैं, वो असली खुशी नहीं है। इन्हें ये सांसारिक या त्रिविध दुख कहते हैं। त्रिविध दुखों में दैहिक, देविक और भौतिक सुख सुविधाएं आ जाती हैं, तो इनसे मुक्त होकर ही उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए इनका एक दोहा है, माया ऐसी पाणिनी, फंदा ले बैठी हाट, सब जग तो फंदा परिया, कबीरा आया काट। मतलब माया काम कामना, अहंकार, लोभ, मोह आदि से मनुष्य को इस जगत में फंसा कर रखती है। अब ज्ञान के माध्यम से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके इस माया से बाहर निकला जा सकता है और ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सारी बातें थी कबीर दास जी के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।